जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए कई सतहों पर कोशिशें की जाती रही हैं। सरकार जहां पुरुषों के रोजगार के लिए अवसर प्रदान कराती रही है, वहीं महिलाओं के कल्याण पर भी हमेशा ध्यान देती रही है, जिसके लिए कई तरह के स्कीमें भी चलाती रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने राजौरी के दूर दराज इलाकों में रह रही महिलाओं के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। इस ट्रेनिंग सेंटर में इन्हें सिलाई, कढ़ाई और दूसरे हुनर सिखाने के लिए जरूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो भविष्य में अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यहाँ ज्यादा इनको इंटरेस्ट है, लड़कियों को डेली आती है, इंशाल्लाह डेली आती है। कोई दिन भी बारिश भी होती है, यहाँ बारिश बहुत होती है, तो बारिश के दिन भी आती है, लड़कियाँ काम चलाती हैं अपना। और अब आगे देखो, अल्लाह ताला की मर्जी है कि आप ये कहाँ तक पहुँचती है, लेकिन है कि इनको काम बहुत आता है, इंटरेस्ट है, लड़की बहुत इंटरेस्ट है। राजौरी की सैकड़ों लड़कियां अपने भविष्य को संवारने के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में खासी दिलचस्पी ले रही हैं। यहां ये लड़कियां फैशन डिजाइनिंग, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी और दूसरे कामों को भी सीख रही हैं। सरकार की इस पहल से लड़कियां काफी खुश हैं और पूरे जोश के साथ सेंटर में पहुँच रही है। ये बॉर्डर एरिया, यहाँ पहले कोई सेंटर नहीं था, ये सेंटर पहली बार आया हुआ है, तो हमारे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, ये इतने दूर से आके हमें सिखाते हैं। और यहाँ सेंटर में सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलता है, या धागे वगैरह सब कुछ मिलता है, और हम जनमाजे कालीने और सब कुछ यहाँ पूजा मैट सब कुछ हम बना रहे हैं। तो हम बहुत, इसके पहले यहाँ सेंटर नहीं था, हम बहुत बेरोजगार लड़कियाँ यहाँ बैठी हुई थी, अब ये अपना रोजगार चला रही हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ लड़कियाँ आती हैं और यहाँ ये रोजगार चलाती हैं। कुदरत ने जम्मू कश्मीर को जो बेइंतहा खूबसूरती बख्शी है, उतना ही हुनर यहाँ के लोगों में भी मौजूद है। यहाँ के कारीगरों द्वारा बनाई गई खूबसूरत और सुंदर चीजें लोगों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। यहाँ के लाखों कारीगरों के लिए हस्तशिल्प उत्पादन रोजगार का एक बड़ा जरिया है। और थैंक्स है हमें डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का, हमें आगे और ऐसे सेंटर दें, हम अपना एक और आगे रोजगार खोल सके। ऐसे ही आगे काम करते रहे, हम अपना एक रोजगार अपने लिए रोजी रोटी या कुछ भी कमा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही गरीब थे और हमारा ये एरिया बॉर्डर इलाका था, इधर कुछ काम नहीं था। इलाके की महिलाएं सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम का दिल से स्वागत कर रही हैं। यही वजह है कि इस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इलाके की महिलाओं को इस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पता चल रहा है, वो अपना दाखिला यहाँ करवा रही हैं। इस सेंटर को खास तौर पर उन महिलाओं के लिए खोला गया है जिनके घर की आर्थिक हालात ठीक नहीं है।